देखिए, मैं आज झींगा बनाने जा रही हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से साफ करके भिगो के 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये भीगा हुआ है, ये सूखा झींगा है। मैंने इसको धो के साफ से अच्छे से इसको भिगोया था 10 मिनट। देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, आप देख सकते हैं। ये लाल मिर्च, जीरा 1 चम्मच, ये लहसुन, ये दालचीनी, जावित्री, और यहाँ पे 2 लौंग, और यहाँ 4 से 5 लौंग काली मिर्च, और यहाँ पे 3 बड़ी इलायची, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पे 1 टमाटर, 3 मीडियम साइज के प्याज, और ये आधा चम्मच जीरा, और ये तेज पत्ता एक। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। पहले इसको मसाला को मैंने मिक्सी में पीस लेना है। ये देखिए हमारा मसाला पिस चुका है। आइए देखते हैं कैसे ये बनता है। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, अब गैस को ऑन। ये देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। इसमें मैं हींग डालूंगी। मैं हींग बताना आपको भूल गई थी दिखाना। अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से ब्राउन होने दें, और इसमें तेज पत्ता, जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब उसमें मैं ये कटा हुआ प्याज डालूंगी। मैं इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। ये प्याज जल्दी से गल जाएगा। और ये इसको अच्छे से चलाते हुए भूने ब्राउन होने तक। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब उसमें मैं ये टमाटर डाल देती हूँ। अच्छे से भूने जब तक ये गल ना जाए। ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से हमारा गल चुका है। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छे से गल चुका है। इसमें ये पिसा हुआ मसाला जाएगा। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच, और यहीं पे धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसे लो गैस पे, एकदम धीमे गैस पे इसको भूने जब तक ये तेल ना छोड़ दे मसाला। इसे चलाते हुए भूने, वैसे ना छोड़े ना तो मसाला नीचे पकड़ लेगा आपका। अच्छे से लगातार चलाते हुए भूने, दम धीमी आंच पे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से तेल छोड़ दिया है। ये एकदम अच्छे से भुना चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें मैं ये झींगा डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले और झींगे को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमारा झींगा और मसाला एक साथ भून चुका है। अब इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये मसाला वाला पानी है। मैंने यहाँ पे 2 छोटी कटोरी पानी डाला है। ये देख सकते हैं इसको। अब इसे मीडियम गैस पे पकने देते हैं। इसको ढक देते हैं। आइए देखते हैं
ये देखिए ये अच्छे से पकने लगा है, इसे 2 मिनट और पकाते हैं। ये देखते हैं 2 मिनट हमारा हो चुका है। ये देखिए ये झींगा एकदम बन के तैयार हो चुका है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये झींगा एकदम बन के तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करना ना भूलें। इसे आप चावल या चपाती के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप खा के एक बार बना के ज़रूर देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है।